हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चले बच्चे, हम जो है इस नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, नए जोश और नए उमंग के साथ। बच्चे, हम लोग इस नए चैप्टर का जो है पोला फाड़ी मचाने वाले, जबरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो बेटा, आज जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों, वो हमारा होने वाला है चैप्टर नंबर 4। बेटा, क्या होने वाला है? चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बल गतिकी के बारे में पढ़ने वाले हैं। केमिकल काइनेटिक्स जिसे हम बोलते हैं बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल और बहुत ईजी चैप्टर है। लेकिन पता नहीं भैया क्यों बच्चे यहाँ पे जो है कंफ्यूज होते हैं, बहुत जो है कंफ्यूज होते हैं कि भैया हमको प्रथम कोटि का जो है अभिक्रिया नहीं आती, हमको शून्य कोटि का अभिक्रिया नहीं आता सर। तो बच्चे को क्या करते हैं, ऐसे पूछते हैं कि भाई हमको इसको कैसे करना चाहिए। लेकिन बताए बच्चों, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा ईजी, बहुत ज्यादा सिंपल और आपको जो है पूरे में पूरे अंक दिलाने वाला चैप्टर है। तो बेटा ये हमारा एक, अगेन मैं इसको बोलूं तो बेटा ये हमारा हलवा चैप्टर है केमिस्ट्री के अंदर। देखो बच्चे, इस चैप्टर के अंदर मैं किसके बारे में बात करूंगा, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये चैप्टर का ये टॉपिक का ही नाम क्या है, रासायनिक बल गतिकी। तो बेटा यहां पे हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, काइनेटिक्स एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब आप क्या बोल दें यहां पे, क्या भयंकर चीज वर्ड यूज कर दिए। तो बेटा यहां पे रासायनिक, ठीक है, बल गतिकी, काइनेटिक की बात करने वाला कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया जो है होती है तो वहां पे कौन-कौन से वेग से होती है, कैसे क्रिया होती है, कौन सी उसकी वेग होती है, उसका दर क्या होता है, इसके बारे में पूरा का पूरा यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। मतलब आपको समझ में नहीं होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि नहीं भी आया होगा, क्योंकि मैंने बताया नहीं। सिंपल सी बात, मैंने बताया नहीं तो कैसे आएगा भाई, कैसे आएगा। अब कुछ इंटेलिजेंट बच्चे यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर इसको तो मैंने पढ़ लिखा है, आप कुछ अच्छा सा बताओ मेरे को जिससे एग्जाम्स के अंदर वो क्वेश्चंस आए ही आए। बच्चे एक बात आपको मैं बता दूं कि भाई, ठीक है, कि भाई आप जब एग्जाम्स में बैठोगे तो मैं ये प्रेडिक्ट मैं आपको पेपर सेट करके नहीं दे सकता ना, समझ रहे हो। हम पेपर, कोई भी टीचर्स पेपर ये नहीं बता पाएगा कि कौन सा टॉपिक एकदम एग्जैक्टली आ रहा है, कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है। हम सिर्फ एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि भाई ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आ रहा है और ये जो पिछले सालों में, कई सालों में पूछा गया है, तो स्किन बेसिस पर, उन सारे जो है नॉलेज के बेसिस पर बेटा हम ये बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस साल भी इसकी आने की जो प्रोबेबिलिटी, जो चांसेस है वो जो है ज्यादा होने वाली है। क्लियर सारे बच्चे, तो हम इस तरीके से जो अपना एजम्पशन लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कई बच्चे ये पूछते हैं सर सिर्फ और सिर्फ हमको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दो ना। बेटा अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगी ना तो आपको चीजें समझ नहीं आएगी। अभी आपको 20 दिन बाकी है भाई एग्जाम में, ठीक है, अभी आपको एग्जाम में 20 दिन बाकी है, 20 दिन तक वो सारी चीजें आपको दिमाग के अंदर रहनी भी चाहिए ना, कि आज पढ़े और कल भूल गए फिर वापस उसी में एक घंटा दोगे क्या, नहीं, आपका टाइम जाएगा, समझ रहे हो ना, आपका टाइम जाएगा। तो यही तो हम नहीं चाहते बेटा, यही तो पूरी टीम अभी नहीं चाहती। वो क्या चाहती कि जो आप पढ़ रहे हो अभी, ठीक है, जो आप टाइम लगा रहे हो, अपना जो वैल्यूएबल टाइम लगा रहे हो किसी लेक्चर को पढ़ने में, उसी लेक्चर में सारे डाउट क्लियर हो जाए, सारी चीजें आपको समझ आ जाए और वापस से उसको जब पढ़ने आओ तो बेटा आप पन्ने पलटाओ और आपको समझ आ जाए क्लियर चीजें, ठीक है। हम इस तरीके से स्टडी कराना चाह रहे हैं, समझ में आए सारे बच्चों को, तो उसी को जो है बरकरार रखते हो बेटा। आज जो है नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों को जो है जवाब तो मिल गया होगा बेशक बेहतरीन तरीके से। अब बच्चे रासायनिक बल गति के बारे में बात करता हूं कि भैया रासायनिक बल गति आखिर क्या होती है। आपको पता है बेटा कि रासायनिक अभिक्रियाएं में क्या होती है, एक हमारा उत्पाद होता है, एक साइड हमारा जो है अभिकारक होता है, ठीक है। अब अभिकारक कैसे होता है सर, अभिकारक जब आपको मैं बोलूं बच्चे, जो आपको मैं बोलूं कि भाई यहां पे मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा और मेरे को मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा, क्या बच्चा, मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा, बेहतरीन तरीके से सारे बच्चों को समझ आता है, तो बचपन की बातें हैं, ठीक है। अब देखो बच्चे यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा तो मैं इस साइड जो है, ठीक है, एरो के जो भैया इस साइड में जो गोल बना रहा हूं बेटा, सर्कल बना रहा हूं, ये हमारा क्या होने वाला है, अभिकारक होने वाला है, रिएक्टेंट होने वाला है प्यारे बच्चों। मैंने क्या बोल दिया भैया, ठीक है, ये हमारा क्या होने वाला है, रिएक्टेंट होने वाला है, रिएक्टेंट अभिकारक होने वाला है। ये तो सारे बच्चों को बचपन से ही पता है सर, कुछ नया बताओ, कुछ भयंकर बताओ सर, बिल्कुल अभी आ रहे हैं प्यारे बच्चे, कुछ भयंकर अभी करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। देखो अभिकारक है, अब इस साइड जो MgO लगा है बेटा, वो MgO क्या होता है, उत्पाद होता है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं बचपन की बातें वहां पे क्लियर कर देता हूं, क्योंकि ये वर्ड जो बेटा मैं अभी यूज करने वाला हूं, ठीक है, अभिकारक और उत्पाद वाला फंडा यूज करने वाला हूं, इसलिए मैं इसको बार बार बता रहा हूं, क्लियर है बच्चे का, ठीक है। अब देखो यहां पे Mg प्लस O की मैं बात कर दिया तो हमको MgO मिला, जो MgO था बेटा, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो था वो हमारा जो प्रोडक्ट था, उत्पाद था, ये मेरा क्या बच्चा Mg प्लस O2 जो है मेरा क्या है, रिएक्टेंट है, क्लियर है सारे बच्चों को। अब ये जब प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस होगा, ठीक है, तो कौन सी स्पीड पे होगा, कौन सी वेलोसिटी पे होगा, कौन से दर पे होगा, उसी की जानकारी हम इस चैप्टर के ओवरऑल जो है, इस चैप्टर का मोटो रहेगा कि कौन से वेग से ये प्रोसेस हो रहा है,
ठीक है, कौन से वेग से ये प्रोसेस हो रहा है, इसी की गणना करने है, पूरा ओवरऑल हमारे चैप्टर का मोटिव रहता है। क्लियर है सारे बच्चों को, समझ में आया किसके बारे में यहां पे पढ़ते हैं अपन? ठीक है, चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्या करता है, अभिक्रिया की वेग तथा उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, कारक होते हैं, उसके बारे में अध्ययन करना बेटा हमको क्या कहलाता है, रासायनिक बल गतिकी कहलाता है। एकदम बेहतरीन तरीके से सारे बच्चों को क्लियर हुआ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहां पे। ठीक है, अब देखो, अब यहां से ये सारी चीजें समझ तो आ गई सर, लेकिन क्या सर मैं इसको जो है ए प्लस, या फिर बच्चे मैं इसको ए प्लस नहीं लिखते, हम आर और मैं पी की बात करूं। ठीक है, आर जब लिखूंगा तो वो क्या होगा, किसके लिए होगा, रिएक्टेंट के लिए होगा, मतलब अभिकारक के लिए होगा। जब मैं पी लिख दूंगा तो बेटा वो किसके लिए होगा, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद के लिए होने वाला। तो मैं बोल दूं प्यारे बच्चे कि आर, आर से मेरा क्या मिलता है सर, आर से मेरे को पी मिलेगा, तो यही हमारा क्या रासायनिक अभिक्रिया है। बेहतरीन तरीके से सारे बच्चों को क्लियर है। ठीक है, R से P मतलब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बन रहा होगा रासायनिक अभिक्रिया में। अब देखो इसकी मेरे को वेलोसिटी निकालनी है, ये प्रोसेस जो है ये रासायनिक अभिक्रिया कौन सी वेग से हो रही उसका मेरे को निकालना है। तो मैं क्या कर दूंगा बच्चे, अभिकारक की सांद्रता, यहां पे दिख रहा है अभिकारक की सांद्रता, मतलब इस R का कितना कॉन्सेंट्रेशन है, कितना कॉन्सेंट्रेशन है, वो हम यहां पे बात करेंगे। अब इसको डिवाइड करने का अनुपात करेंगे किससे भैया, लगा समय की, मतलब कि भाई सिंपल सी बात है कि ये देखो फटाफट देखो, यहां पे R की बात हो रही है, किसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R की बात हो रही है, कंसेंट्रेशन ऑफ R की बात हो रही है। अब देखिए डेल R बाई डेल T की बात होगी, मतलब इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस में अभिकारक क्या है बेटा, अभिकारक की सांद्रता, और इस प्रोसेस को होने में कितना टाइम लगा है बेटा, उसको हम डेल्टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम इसको लिख पाएंगे कि डेल्टी कंसेंट्रेशन ऑफ आर बाई डेल्टी, सॉरी डेल कंसेंट्रेशन ऑफ आर बाई, ठीक है, डेल्टी, ऐसा अपन लिख पाएंगे बेहतरीन तरीके से। ठीक है, अब ये पूरा प्रोसेस हमको पता चल गया कि भैया ये तो हमारे अभिकारक के लिए था, किसके लिए सर, अभिकारक रिएक्टेंट के लिए था हमारा, किसके लिए बच्चा, रिएक्टेंट के लिए, अभिकारक के लिए। ठीक है, बेहतरीन समझ आया। अब देखो जब भी ये काम करोगे ना, जब भी ये काम करोगे, मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ अभी, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। जब भी आप इसको काम करोगे, ये बच्चे में जो बता रहा हूँ ना, ये जब न्यूमेरिकल आते हैं इसके ऊपर बहुत मजा आता है। ठीक, बहुत मक्खन समझ आएगा एकदम, ध्यान से। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर जब न्यूमेरिकल आएंगे ना, तो आपको ये चीजें जो छोटी छोटी चीजें आपको रहनी चाहिए पता। ठीक है, समझ आया। अब देखो जब ये हमारे अभिकारक की बात हो रही थी यहाँ पे, तो हम यहाँ पे माइनस साइन लगाते हैं प्यारे बच्चे, यहाँ पे आता है माइनस साइन इस तरीके से, अभिकारक के केसेस में माइनस साइन। अब माइनस साइन क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब भी रिएक्शन होता है तो अभिकारक क्या करते हैं बेटा, रिएक्टेंट जो है उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब उसकी एनर्जी कभी ना कभी कम होगी, उस हमारा जो अभिकारक है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला, तो अब खत्म हो जाएगा मतलब वो क्या करेगा, उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब उसकी जो क्वांटिटी जो भी थी वो तो खत्म हो रही ना, इसलिए हम इसको लगाएंगे माइनस। क्या लगाएंगे बच्चा, माइनस। और जो हम जब उत्पाद के बारे में बात करेंगे तो वहां पर प्लस लगा देते हैं। क्लियर, समझ में आया सारे बच्चों को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो ये क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नहीं आते, मतलब आपको ये छोटी छोटी चीजें बारीकियां पता होनी चाहिए। समझ में आया सारे बच्चों को। अब देखो, ठीक है, अब तो मैं बात कर दे अभिकारक के बारे में, अब मैं क्या उत्पाद के बारे में बात करूं, तो बिल्कुल बच्चे क्या बात करेंगे, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा लगा समय, सेम जहां पे हम बात किए थे आर के बारे में, अब जो है पी के बारे में बात कर दिए। कोई यहां पे किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की डाउट बिल्कुल नहीं हुआ होगा। समझ में आया सारे बच्चों को, चले बच्चे फटाफट आगे बढ़ते, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो भाई। ठीक है, चलो, ठीक है, अब देखो ये सारी चीजें अपन को समझ में आ गई। ठीक है, एक चीज बहुत सारी चीजें है अच्छे से हमको समझ में आई। अब बच्चे मैं बोलूं आपका हमारे पास क्या बेटा, ये आपका जो है, हाँ एक बात यहां पर देखो आपको लिखा हुआ है कि वेग लिखते समय रस समीकरण थी, नीचे में देखना बेटा, वेग लिखते समय रस समीकरण मितीय गुणांक से भाग जरूर करना चाहिए। मतलब भैया रस समीकरण मितीय क्या होता है, मैं आपको अभी जो है थोड़ा सा फटाफट एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि रस समीकरण मितीय आखिर क्या बोलना चाह रहा है ये भैया। ठीक है, ये वर्ड आखिर हमको क्या सिखाना चाह रहा है, अगर देखो बेटा ए आपको कुछ इस तरीके से दिया होगा, ठीक है, यहाँ पे बी, ठीक है, बी सी और बेटा डी, ठीक है, कुछ इस तरीके से रिएक्शन देगा, कुछ इस तरीके से हमको जो है रासायनिक अभिक्रिया दे, तो ये रासायनिक अभिक्रिया के गलत है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल डेफिनेटली गलत नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं बेटा, यहाँ पे 2mg, यहाँ पे अगर मैं 2mg लगाऊं और इसको 2mg करूं, तो ये जो है बेटा ये जो 2 दिख रहा है, देखो ये आपको जो 2 दिख रहा है यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है, तो बच्चे ये जो 2 1 आपको दिख रहा है ना, यही हमारा रस समीकरण गुणांक है बेटा। क्या रस समीकरण गुणांक है, फैक्टर है। अब देखो बच्चे यहाँ पे मैं किसको लिखूंगा, अगर मेरे को अभिकारक के बारे में बात करनी होगी, अगर मेरे को अभिकारक के बारे में बात करनी होगी, तो मैं अभिकारक के लिए क्या लूंगा, ठीक है, अभिकारक के लिए क्या लूंगा बच्चे, ध्यान से सुनो, ठीक है, अभिकारक के लिए a 1 बाई ए, क्या बच्चा
वन बाई, क्योंकि हमको गुणांक करना, भाग देना होता है ना बेटा, भाग देना होता है, तो वन बाई ए कर दूंगा मैं, ठीक है। और मेरे को पता है हम अभिकारक की साइड पे क्या लिखते हैं, अभिकारक की साइड में लिखते हैं डेल आर, क्या बच्चा डेल आर, मतलब कि मैं बात करूं बेटा डेल ए, डेल ए, डेल ए बाई डेल टी की बात करूं, ठीक है, डेल ए बाई डेल टी के बारे में बात कर सकूं, बेहतरीन तरीके से क्लियर है सारे बच्चों को, ठीक है। ये हमारा किसके लिए होने वाला है, अभिकारक के लिए होने वाला है। इसी प्रकार से बच्चे मैं डेल बी के लिए भी लिख सकता हूं। अब डेल सी की अगर मैं बात करूं बच्चे, उत्पाद के केस में बात करूं, उत्पाद के केस में बात करूं, तो उत्पाद के केस में क्या होने वाला है, देखो ध्यान से, यहां पे बच्चे वन अपॉन सी होगा, ठीक है, वन अपॉन सी होगा, क्या बच्चा वन अपॉन सी होगा। अब बच्चे यहाँ पे सी का क्या होगा बच्चे, ध्यान से देखना, डेल डेल कंसेंट्रेशन ऑफ सी, डेल कंसेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन अपॉन क्या होगा बेटा, डेल टी हो जाएगा, समझ में आया। अब यहाँ पे अपन कुछ चीज भूल गए बेटा, क्या कुछ चीज भूल गए, मैंने अभी 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 आपको बोला कि यहाँ पे माइनस आता है अभिकारक के फंडे पे, हमारा क्या होता है बेटा, माइनस आ रहा होता है, यहाँ पे पॉजिटिव रहता है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव ही रहता है। ये फंडे आपको याद रखने चाहिए, आपको आना चाहिए, समझ में आया सारे बच्चों को, ठीक है। अब बच्चे मैं आपको अगर यहीं से ये सिखा दूं बच्चे कि ये जो है ना बेटा अभिकारक का, ठीक है, अगर मैं मात्रक निकालना बता दूं, मात्रक, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से निकाल लोगे। क्या कैसे निकाल लोगे सर, देखो हमारे पास ऊपर में क्या बेटा, ऊपर में सांद्रता है किसकी, ए की, तो मैं बोल सकता हूं बच्चे सांद्रता, बोल सकता हूं सांद्रता, सांद्रता, ठीक है, सांद्रता बटा समय, सांद्रता बटा समय। पेन क्यों नहीं चल रहा भाई, क्या हो गया इस पेन को भी, देखो धोखा देता है भाई, जब शिद्दत से पढ़ा दो ना तो यही धोखा होता है, ठीक है, कभी कभी जो है चीजें भी खराब हो जाती है। देखो ध्यान से, सांद्रता की मैं बात करूं तो सांद्रता की बच्चे यहां पे सांद्रता बटा समय होता है, क्या बच्चा सांद्रता बटा समय होता है, ये किसके लिए होगा, वेग, वेग किसके लिए होगा, अभिकारक के लिए, अभिकारक का वेग की मैं बात कर रहा हूं बेटा यहां पे, ठीक है। तो ये जो हमारा मात्रक होगा, यूनिट होगा अभिकारक के लिए, ठीक है। ये आपको अभी जो है फिलहाल इसको जो है मस्त तरीके से अपने कॉपी के अंदर से सर्कल बनाकर डब्बा बनाकर इसको याद रखिएगा, ठीक है, बताऊंगा कि क्यों होता है, फिलहाल बच्चे इसको याद रख लीजिए, समझ में आया सारे बच्चों को। अब देखो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चे, अब देखो क्या होता है, वेग की अगर मैं बात करूं तो वेग हमको जो है कैसे मिलने वाला है सर, वेग जो है हमको कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए प्रयोग में कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, प्रयोग में हमको क्या करना होता है, एनालिसिस करना होता है, ऑब्जर्वेशन करना होता है, ऑब्जर्वेशन से ही हमको वेग मिलेगी, एकदम सिंपल, ठीक है, एकदम सिंपल। उसके लिए क्या करें बेटा, कुछ वेग क्या करते हैं, सॉरी कुछ वेग जो है कुछ अभिकारकों पर निर्भर करता है और कुछ पर नहीं करता, क्या बच्चा कुछ पर निर्भर करता है और कुछ पर नहीं करता, ये एकदम डेफिनेटली श्योर है, ठीक है। अब देखो, वेग किसी भी अभिकारकों के बढ़ाने पर घटक भी क्या, सॉरी घट भी सकता है, मतलब किसी भी अभिकारकों में बच्चे वेग बढ़ा दूं मैं तो वो घट भी सकता है, अभिकारक की रिएक्शन ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब वेग की अभिकारक पर निर्भरता, वेग जो होगा बेटा उसकी अभिकारक पर निर्भरता, रस समीकरण गुणांक से कोई लेना देना नहीं होता, क्या बोला बच्चा अभी मैंने आपको बोला कि भैया, ठीक है, अभिकारक का जो निर्भरता होती है, रस समीकरण मिति है जो हमारा के बनेगा, ठीक है, रस समीकरण मिति जो 1 बाई ए लिखते थे, 1 बाई बी लिखते थे, 1 बाई सी लिखते थे बेटा, ये इस रस समीकरण मिति से हमका जो है कोई लेना देना नहीं होता, क्या बोलता है भैया अभिकारक, ठीक है, अभिकारक ये बोलेगा मेरे को इससे कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो अपनी डिपेंडेंसी रखूंगा ही रखूंगा, सीधे ये बहुत बेसिक चीजें हैं, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, इसको याद करके रखना, फिलहाल जब तक ये लेक्चर पढ़ रहे हो तब तक याद करके रखना। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी टॉपिक ऐसी है जिसको पढ़ के आपको जो है 3 नंबर मिल रहे होंगे, क्योंकि इस चैप्टर से 3 नंबर के बड़े क्वेश्चंस आते हैं, तो हम इस प्रकार बात करेंगे बेटा यहाँ से 3 नंबर कैसे मिलेंगे, और 2 नंबर के छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं, घबराइए ना, ठीक है, 2 नंबर के छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे, देखो ठीक है बच्चे। अब देखो, ठीक है, इस प्रकार से मैं बोलूं तो इस प्रकार से मैं बोल दिया तो यहाँ पे क्या चीजें हमको पूरी की पूरी जो चीजें हैं समझ तो आ गई, ठीक है, समझ तो आ गई। अब बच्चे अगर मैं आपको बोल दूं कि भैया हमारा जो वेग होता है ना, जो वेग होता है ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल किसका, कंसेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, एक्स, कंसेंट्रेशन ऑफ ए एक्स क्या होता है, कंसेंट्रेशन ऑफ बी वाई का, इस प्रकार से होता है। अगर मैं वेग की बात करूं प्यारे बच्चे, तो वेग में क्या होता है, अगर मेरे को इस जो है प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाना है तो मैं एक कॉन्स्टेंट लगाता हूं, सिंपल सर, बिल्कुल बहुत बचपन की बात है, हम लगा देंगे कॉन्स्टेंट के, ठीक है, कॉन्स्टेंट के, स्थिरांक के। अब बच्चे मैंने जब इस तरीके से किया तो मेरे को बचपन से ही पढ़ता आ रहा हूं सर मैं जो है ना, ये एक्स वाई कैसे निकलेगा, ठीक है, ये एक्स वाई कैसे निकलेगा, इसके ऊपर बात करता हूं फटाफट, देखना तो बच्चे यहां पे देखो, यहां पे अपन को तो मिल गया भैया, क्या मिला कि एक्स, सॉरी ए, ए ए टू द, सॉरी ए एक्स क्या मिलेगा बेटा, कंसेंट्रेशन ऑफ ए और कंसेंट्रेशन ऑफ बी का हुआ, इस तरीके से मेरे को मिला।
अब मैं एक बात बताऊं प्यारे बच्चों, मेरे को आपको दिमाग में आ रहा है कि ये x और y क्या है सर, ये x और y कहां से मिलेगा, तो इसके लिए बेटा क्या होगा, x और y, x एंड y क्या बच्चा प्रयोग में, क्या होता बेटा प्रयोग में, प्रयोग से प्राप्त होता है, प्रयोग से बेटा प्राप्त होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है कि कैसे चीजें होती हैं, प्रयोग से ये बच्चा ये क्या होता है प्राप्त होता है। जब भी एग्जाम्स के अंदर पूछा जाए तो आप लोग इसको इजीली बता पाओगे कि ये जो एक्स और वाई है ये प्रयोग से प्राप्त होता है। अब दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, ठीक है, अगर मैं एक्स, याद रखना बच्चा, ठीक है, अगर मैं एक्स, एक्स प्लस वाई को, x प्लस वाई को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर आ रहा हूं मैं अभी, ठीक है। धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाएंगे भाई, मजा आएगा फील्ड के अंदर, देखो इस चैप्टर के अंदर बड़ा मजा आएगा, ठीक है। देखो अगर मैं x प्लस वाई की बात करूं तो x प्लस वाई को जब मैं जोड़ूंगा तो मेरे को n मिलता है, क्या सर, मेरे को n मिलता है। अब ये तो कुछ और अलग चीज आ गई सर, ठीक है, कुछ और अलग चीज, ये कुछ नहीं बटा, ये जो n है ना यही हमको दर्शाता है, हमको दर्शाता है कि ये जो है अभिक्रिया की कोटि है, क्या बच्चा, ये जो n है क्या बताता है अपन को, अभिक्रिया की कोटि, सुना सुना लग रहा है सर, बिल्कुल बच्चे, ठीक है, अभिक्रिया की कोटि। अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो अभिक्रिया की कोटि कुछ तो सुना सुना लग रहा है, कुछ तो अपना कुछ जाना पहचाना सा बता रहे हो सर इसके ऊपर, ठीक है। तो बिल्कुल बच्चे जाना पहचाना सा ही मैं कुछ बता रहा हूं, ध्यान से देखते रहना। जब x प्लस वाई जो क्या होता है n, x प्लस वाई को हम जब ऐड करते तो हमको n मिलता है, और n ही क्या है बेटा किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर होता है, किसी भी रिएक्शन की कोटि होती है, बहुत बेहतरीन चीज, ठीक है। अब देखो आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा होगा, ठीक है, अभी आपने चैप्टर थोड़ा बहुत रिवाइज किया हो तो आपको पता चलोगा n = 1 नहीं बात करते, शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये सारी चीज आपने पढ़ी होगी। तो वही मैं क्यों ऊपर आ रहा हूं बेटा, अगर n इज इक्वल टू जीरो होता है, क्या बच्चा, अगर n इज इक्वल टू जीरो होता है तो बच्चे इसको हम बोलेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया, क्या बोलूंगा बच्चा, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया, ठीक है, शून्य कोटि अभिक्रिया लिख देता हूं भाई फटाफट, शून्य कोटि अभिक्रिया, ठीक है, फटाफट, गजब फील आ गया सर, मजा आया पढ़ के तो, ठीक है। अब देखो n इज इक्वल टू, जब मैं 1 बोलूंगा बच्चा तो ये n इज इक्वल टू 1 जब मैं बोल दूंगा तो क्या होगा, ये मेरा प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, ठीक है। जब n इज इक्वल टू मैं 2 करूंगा, ठीक है, n इज इक्वल टू 2 करूंगा तो बच्चे ये मेरे क्या होने वाला है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होने वाली, किसके लिए, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होने वाली है, क्लियर है, बहुत बेहतरीन सारे बच्चों को, ठीक है। अब बोल दो सर कमेंट सेक्शन में, सब लगा दो मेरे बच्चे, लगा दो मेरे बच्चे कि ये जो सेक्शन है, ये जो क्लास है बेटा मजा आ गया, मक्खन समझ में आया, केमिस्ट्री मजा आया बेटा, ये जो सारी चीजें आपको बहुत बेसिक है, ठीक है, मैं समझाऊंगा सारी चीजें, आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। हम यहाँ पे शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया करने वाले हैं, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया नहीं करूंगा। क्यों, इसके पीछे का रीजन आपको पता है, क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं गया है, समझ में आया, ठीक है। तो हमारे हिसाब से अभी दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे, शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो हम ये दो चीजें करेंगे, ठीक है। इससे पहले कुछ और जो हमको जानना है तो वो जान लेते हैं पहले फटाफट। देखो अभिक्रिया की जो क्रियाविधि है बेटा, मैकेनिज्म है, ठीक है, एक अनदर में छोटी मगर मोटी बात के ऊपर आ रहा हूं, छोटी मगर मोटी बात के ऊपर आ रहा हूं कि भाई ये छोटी चीज तो है लेकिन इसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, इसके ऊपर आ रहा हूं, फटाफट देखना बच्चा, ठीक है। अभिक्रिया की क्रियाविधि की अगर मैं बात करूं, मैकेनिज्म की बात कर दूं बच्चे, तो यहां पर रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, संघट्ट सिद्धांत पर होता है आधारित, संघट्ट सिद्धांत पर आधारित होता है। मतलब ये क्या है सर, ये क्या भौकाल शब्द है, ये क्या संघट्ट है, क्या समझ नहीं आ रहा मेरे को, सबर रखो, सबर रखो भैया, है ना, सबर रखो, समझाते हैं भाई अभी, ठीक है। देखो संघट का मतलब क्या होता है बच्चा, संघट का मतलब होता है इंग्लिश में कोलिजन, क्या बच्चा, कोलिजन, टकराव, क्या होगा बच्चा, टकराव। अब मेरे को एक बात बता दो कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो क्या होते हैं, किसी भी अणु के टकराव से बनती है, क्या होती है, टकराव से, रासायनिक अभिक्रिया हो रही मतलब उसमें अणुओं का क्या हो रहा है, संघनन हो रहा है, मतलब उसमें टकराव हो रही है, समझ में आया सारे बच्चों को, उसमें क्या हो रहा है बच्चा, संघनन में क्या होता है, संघनन जब होता है कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें जो अणु होते हैं, जो अभिकारक के जो अणु होते हैं वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे। अब मेरे को बचाओ बच्चे, जब मैं कोई जो है अणु रहेंगे वो प्रॉपर जो है तरीके से टकराएंगे तभी कोई उत्पाद बन पाएगा, तभी कोई उत्पाद बन पाएगा, अगर सही से नहीं टकराए तब के केस में क्या होगा, ठीक है, सही से नहीं बन पाए तो केस में क्या होने वाला है, उसी के ऊपर मैं बात कर दूं। अगर बच्चे, अगर मैं यहां पे समझो कि ये मेरे दो क्या अणु हैं, ये अणु जब इस तरीके से टकराएंगे बेटा, अब समझो कि ये जो अणु जब आएंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से टकराने पर ही ऊर्जा दे रहे हैं, उत्पाद में कन्वर्ट हो रहे हैं,
अगर ये इस तरीके से टकरा गया, ये पेन पेन को इसमें इसे पलट दिया, अब इस तरीके से टकराया तो भी नहीं देगा, इस तरीके से टकराएगा तो भी नहीं देगा, इस तरीके से करेगा तो भी नहीं देगा, वो सिर्फ सिर्फ इस तरीके से जब आएगा बच्चे तभी वो ऊर्जा होने वाली बच्चे। तो उसी को मैं बोल रहा हूं यहां पे अभिक्रिया के क्या बच्चे टक्कर पे क्या होता है अभिक्रिया के सॉरी अभिक्रिया अभिकारों के मध्य टक्करों से होती है बेटा। क्या होता है ये जो है संघनन जो अभिक्रिया होती है सॉरी संघट अभिक्रिया जो होती है अभिकारकों के टक्कर से क्या होती है जनरेट होती है। पहली कंडीशन ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, कंडीशन वन की बात करता हूं। सभी टक्करों में उत्पाद का प्रोडक्ट का क्रिएशन नहीं होता। अगर मैं आपको बोला अभी कि इस तरीके से हो जाए सर तो तब भी वो क्रिएट होगा, लेकिन इस तरीके से होगा तो नहीं होगा। मैंने बोला वही चे, तो क्या हुआ सभी संगठनों से सॉरी टक्करों से ठीक है संगठन से टक्करों से उत्पाद का क्रिएशन उत्पाद नहीं बनते, पहली बात। और दूसरी बात, वे टक्कर जिसमें उचित अभिविन्यास होता है, उचित अभिविन्यास होता है प्यारे बच्चे, वही में उत्पाद का क्रिएशन होता है। मतलब जब इसी तरीके से इसी लॉकेट में इसी सॉकेट तरीके से बेटा ठीक है, जब भी क्या होगा अभिकारक के जो अणु होंगे वो टकराएंगे संघट करेंगे तो बच्चा हमको जो उत्पाद मिलेगा, तो यहीं पे आपको लिखा हुआ है वे टक्कर जिसमें उचित अभिविन्यास होता है तथा जिसे प्रभावी टक्कर हम कह सकते हैं, और उत्पाद केवल प्रभावी टक्करों से ही क्या होता है बेटा बनता है। मैंने आपको बताया सारी चीजें बहुत शानदार तरीके से बताया ठीक है, आप लोग फटाफट इसको लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट ठीक है। अब देखो ये तो हुआ कंडीशन वन की, अब कंडीशन टू की मैं बात करता हूं ठीक है, ये तो हुआ कंडीशन टू की सॉरी कंडीशन वन की ठीक है, अब कंडीशन टू की मैं बात करता हूं। कंडीशन टू क्या है हमारा ठीक है, एक होता है प्यारे बच्चे हमारे पास जो होता है संक्रियण ऊर्जा, क्या बच्चा संक्रियण ऊर्जा अभिकारकों की, इसको फटाफट अपना बहुत बेहतरीन तरीके से लिखते हैं कि भैया इसको एक्चुअल जो है टॉपिक इसका क्या होता है, एक्चुअल क्या होता है इसका ठीक है, उसके ऊपर बात करता हूं। देखो अभिकारकों की क्या बेटा संक्रियण ऊर्जा, इसी को ना बच्चे क्या बोलते हैं दहली एनर्जी भी बोलते, दहली ऊर्जा भी बोलते, संक्रियण ऊर्जा ठीक है। तो कई बच्चे यहाँ पे ये भी कंफ्यूज हुए रहते हैं भैया, कंफ्यूज पड़ रहते हैं, उलझाए रहते हैं कि दहली एनर्जी क्या है सर ठीक है, दहली एनर्जी क्या, हमको तो समझ ही नहीं आता दहली ऊर्जा क्या होती है, तो वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, ध्यान से सुन रहे ना ठीक है। अभिकारकों की संक्रियण ऊर्जा या फिर बच्चे दहली ऊर्जा ठीक है, ये आपका ये जो है क्या है टॉपिक है ठीक है, इसको फटाफट आप लोग कॉपी के अंदर लिख लो ठीक है। अब देखो ठीक है, यही मैं आपको छोटी छोटी चीजें बता, जैसे कि प्यारे बच्चे मैंने आपको बताया यहां पे जब बताया ना, तो यहां पे अभिक्रिया की कोटि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। जब एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया कि अभिक्रिया की कोटि से क्या आशा है, अभिक्रिया की कोटि हमको समझाई, तो बच्चा ये आप इसको समझ गए ना, इसको समझ गए तो आप प्रॉपर तरीके से आप इसका आंसर जो है लिख पाओगे ठीक है, प्रॉपर तरीके से इसका आंसर लिख पाओगे, बस समझने की देरी है, समझ रहे हो ना, बस समझने की देरी है, क्लियर सारे बच्चों को। अब देखो अब एग्जाम्स के अंदर ये पूछा जाता है कि संक्रियण ऊर्जा क्या है, दहली ऊर्जा क्या है ठीक है। अब इसके साथ साथ बेटा आपको क्या पूछा जाता है, ताप गुणांक के बारे में पूछा जाता है, ताप गुणांक के बारे में पूछा जाता था, वो गुणांक के बारे में बताऊंगा कि कैसे चीजें होती है, फिलहाल बच्चे इसको अभी ध्यान से पढ़ो ठीक है। ताप गुणांक के बारे में, सॉरी ताप गुणांक नहीं, संक्रियण ऊर्जा और दहली ऊर्जा के बारे में, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, मैंने क्या बोला कि भैया जब ए प्लस बी बन रहा होता है और सी बनता है, तो क्या ये सिर्फ अभिक्रिया जो है सॉरी अभिकारक जो है उत्पाद में कन्वर्ट होता है, सिर्फ यही प्रोसेस होता है क्या? बिल्कुल नहीं। सारे बच्चे हाँ बोलेंगे, बिल्कुल नहीं, मैं तो बोलूंगा ही नहीं, ऐसे तो होता नहीं है, बल्कि क्या होता है ध्यान से सुनना ठीक है। जब हमारे पास एक जो है अभिकारक होता है बेटा ठीक है, एक अभिकारक होता है, ध्यान सुनना, एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा उसको समझना और फटाफट आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। देखो एग्जाम्पल दे रहा हूं ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर मेरे पास एक एच है H2 ठीक है, ये क्या कर रहा है बेटा आई इसके साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है ठीक है, और मेरे को बना रहा है 2HI, ये इस तरीके से फॉर्मेशन कर रहा है ठीक है। अब देखो जो H है ठीक है, मैं आपको बहुत बड़ी चीजें बता रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना, जो H होगा वो इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, एक अनदर एच के साथ होगा, इसको अपन ना इधर नहीं लेते हैं, इसको ना अपन फटाफट नीचे की तरफ से लेते हैं, इस तरीके से अनदर बनाएगा इस H के साथ ठीक है। अब जो I रहेगा बच्चा, आई रहेगा वो अनदर आई के साथ बेटा, मतलब आयोडाइड के साथ इस तरीके से बॉन्ड बना के रहेगा, इस तरीके से बॉन्ड बना के रहेगा। अब बच्चे जब ये रासायनिक अभिक्रिया होती है तो इनके बीच में थर्ड पार्टी भी है जिसको हम मध्यवर्ती अभिक्रिया बोलेंगे, क्या बच्चा अभिकारक मध्यवर्ती, और बच्चे हमारा क्या होता है उत्पाद होता है, वो क्या करता है मध्यवर्ती, ध्यान से देखना मध्यवर्ती क्या करता है, ये भैया इनके बीच में बॉन्ड बना देता है ठीक है, और इनके बीच में इस तरीके से बॉन्ड बनाता है, तभी तो 2HI बना ना। 2HI कैसे बना,
ठीक है। पहला जो प्रोसेस ये दोनों बॉन्ड में थे HH, ये II में बच्चे ये बॉन्ड में थे, अब इनके बीच में HI और HI का क्या होगा, बॉन्ड हो गया, तो हमको क्या मिला, 2HI का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, मतलब कि मैं बोलूं कि हमारा जो अभिक्रिया है, सॉरी अभिकारक है, ठीक है, अभिकारक सबसे पहले किसमें कन्वर्ट होता है, सबसे पहले बच्चे वो क्या होता है, मध्यवर्ती में कन्वर्ट होगा, किसमें, मध्यवर्ती, ठीक है, मध्यवर्ती। देन उसके बाद प्यारे बच्चे वो क्या बनता है, उत्पाद बना रहा होता है, उत्पाद बना रहा होता है, समझ में आया। तो ये बच्चे क्या होते हैं, मध्यवर्ती अगर नहीं होगा तो हमारा उत्पाद नहीं जाएगा, मध्यवर्ती नहीं होगा तो उत्पाद नहीं बन पाएगा, क्लियर है बच्चे को। अगर हमारा उत्पाद डायरेक्ट नहीं बना, अगर मध्यवर्ती का पोर्शन हटा दूं तो मेरा मेरे को उत्पाद नहीं मिलेगा। सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल, बहुत ज्यादा मक्खन तरीके से क्लियर होगा। अब एक और बेहतरीन एग्जांपल देता हूं बेटा, आपको जो मक्खन हो जाएगा, समझ आ जाएगा कि चीजें मैं यहाँ पे किसकी बारे में बात कर रहा हूँ। फटाफट बच्चे मेरे को एक पेज की जरूरत है, तो हम लोग पेज ले आते हैं कहाँ से, देखो चलो यहीं पे एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, देखो ठीक है। आप जब जो बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, क्या बच्चा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा, ध्यान से देखना बस, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, एक जो है केमिकल रिएक्शन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, केमिकल, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो वहां पे एक रिएक्शन होता है जिसको अपन बोलते हैं भैया SN2 रिएक्शन, क्या बच्चा, SN2 रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन इस प्रकार से। अब इसके अंदर होता क्या है, ध्यान से देखना, यहां पे एक कार्बन होगा, ये कार्बन क्या करेगा बेटा, CH3 के साथ इस तरह से बॉन्ड बना देता है। अब देखो यहाँ पे एक C रहेगा, सॉरी H रहेगा, ये H रहेगा, अब ये H रहेगा, अब यहाँ पे जो कहते हैं ब्रोमीन होता है बेटा, क्या, ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन। अब ब्रोमीन का हमको पता है, ये तो हमारा हैलाइड है, तो ये नेगेटिव चार्ज है। जब बेटा ये क्या करेगा, जब इसको हम लोग जो है OH- चार्ज के साथ रिएक्ट कराएंगे, सॉरी किसके साथ, OH- चार्ज के साथ रिएक्ट कराऊंगा, हाँ बच्चे, तो मैं इसको क्या है OH- चार्ज के साथ जब रिएक्ट कराऊंगा तो ये क्या होगा, ये क्या होगा बेटा, ये जो रिएक्शन है ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है भैया, ये जो रिएक्शन पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये OH जो है ना बेटा, ये OH जो है वो क्या कर रहा है, डायरेक्ट इसके फेस पे ऐसा रिएक्शन कर रहा है, इसके फेस पे ऐसा रिएक्शन करेगा, डायरेक्ट सीधा सीधा क्या करेगा, हमला करेगा। अब BR पे, BR तो खुद माइनस चार्ज है, BR तो खुद माइनस चार्ज है, ये OH भी माइनस चार्ज है, तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो ये क्या यहाँ पे अटैच आ पाएगा, ये ऐड हो पाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या बेटा, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब ये कैसे कंडीशन पे पॉसिबल, ये ध्यान सुनो, ठीक है। अब देखो, जब ये उलट के इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, जब ये भैया पीछे से अटैक करेगा, तो पीछे से अटैक करने के बाद बच्चे ये जो BR है वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, और हमको क्या मिलेगा, और हमको मिलेगा बेटा CH3, ठीक है, CH3, इसको फटाफट अच्छे से लिखते हैं, ठीक है, CH3, उसके बाद बच्चा C, और मेरे को मिलेगा OH, OH, H, H, इस तरीके से मेरे को मिलेगा SN, SO, इस अभिक्रिया को बोलेंगे, मतलब इस जो अभिक्रिया है इसको अपन बोलेंगे SN अभिक्रिया, ठीक है, SN2 अभिक्रिया, ठीक है, SN2 अभिक्रिया, ठीक है। ये हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत गजब तरीके से और पढ़ेंगे वापस से इसको, फिलहाल बच्चे आपको ये जो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे बता दिया, क्लियर, ठीक है। अब देखो SN2 अभिक्रिया हम लोग यहाँ पे पढ़ लिया बहुत बेहतरीन तरीके से। अब बच्चे कुछ हमारी छोटी मगर मोटी बातें हैं, जब भी आपको ये हमको पता है कि इस चैप्टर से 2 नंबर के साथ साथ 3 नंबर की भी क्वेश्चन आने, क्योंकि हमको पता है बच्चे 2+3 नंबर के मतलब टोटल ओवरऑल 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, ये तो हमको पता है, तो हमको 2 नंबर की भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट फंडे बच्चे आपको 2 नंबर के लिए तैयार करके रखने हैं। तो चलिए बच्चे हम लोग ये पढ़ते हैं कि भैया हमारा ऊर्जा अवरोध क्या होता है, इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं बच्चे, और साथ ही साथ संक्रियण ऊर्जा, दहली ऊर्जा और दर निर्धारक पद के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ताप के जो है निर्भरता के ऊपर भी बात करेंगे कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया जो है ताप के जो है ताप के जो है ताप बढ़ाने पर कैसे प्रभाव करती है, कैसे इफेक्ट करता है, इसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो क्लियर है सारे बच्चों को। अब देखो बच्चा, सबसे पहले बात करते हैं ऊर्जा अवरोध के बारे में। अब देखो ऊर्जा अवरोध क्या बोलते हैं कि न्यूनतम ऊर्जा जिससे प्राप्त करने के बाद अभिकारक जो अणु होते हैं वो उत्पाद में परिवर्तित होते हैं, मतलब इतनी मिनिमम एनर्जी जिससे जो हमारी रिएक्टेंट है, जो अभिकारक है, वो प्राप्त करती है और उत्पाद में कन्वर्ट हो जाती है, उत्पाद में कन्वर्ट हो जाती है, उसी को हम लोग बोलेंगे बच्चा ऊर्जा अवरोध बोलेंगे। और ऊर्जा अवरोध को और बेहतरीन तरीके से समझना बेटा, तो इसको देखो जब मैं आपको डायग्राम बताऊंगा तो आपको ऊर्जा अवरोध समझ आ जाएगी। देखो वहां पे क्या बोलता है, ऊर्जा अवरोध अभिकारी अणु जब तक इस शिखर की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब भैया संक्रियण ऊर्जा तक, अब समझो कि भाई यहाँ पे इस प्रकार से मैं डायग्राम बनाने वाला हूँ, बताऊंगा कैसे होती है। अब ये हमारा क्या संक्रियण ऊर्जा, ये हमारा संक्रियण ऊर्जा, इस ऊंचाई में जब तक आप पहुंचोगे नहीं तब तक बता नहीं कर पाओगे हमारा ऊर्जा अवरोध क्या होने वाला है, ठीक। तो उसी के बारे में बात की, जब तक शिखर की ऊंचाई मतलब संक्रियण ऊर्जा तक नहीं पहुंचते तब तक वे संक्रियण संकुलन नहीं बना सकते, उसी जो है हम बोलेंगे बेटा, इसी को हम लोग बोलेंगे ऊर्जा अवरोध बोलेंगे। फिलहाल बच्चे इसको अभी याद करके रखो, अभी कॉपी के अंदर बहुत गजब तरीके से स्टार्ट करके रखो, ठीक है, हेडिंग बना के रखो, हम इसके ऊपर और बात करेंगे अभी,
ठीक है, जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो और वापस इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब देखो संक्रियण ऊर्जा की मैं बात करता हूँ, आखिर संक्रियण ऊर्जा क्या बोलते हैं। ठीक है, अभी हमारे यहाँ पे संक्रियण ऊर्जा पढ़े, संक्रियण ऊर्जा के बारे में होती है, मतलब संक्रियण ऊर्जा क्या होती है, शिखर की जो ऊंचाई होती है बेटा उसी को हम लोग संक्रियण ऊर्जा बोलेंगे। तो उसी संक्रियण ऊर्जा के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया तभी संभव होती है, तभी पॉसिबल होती है जब उसमें टकराने वाले जो अणु होते हैं न्यूनतम ऊर्जा से क्या होता है बेटा, संक्रियित होते हैं। क्या होता है बेटा, संक्रियित मतलब जो हमारे जो अणु रहेंगे अभिकारक के वो क्या करेंगे, मिनिमम एनर्जी लेंगे और क्या हो जाएंगे, संक्रियित हो जाएंगे, अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करना लग जाएंगे, उसी के बारे में बात कर रही है। अब देखो अधिकांश अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है न्यूनतम ऊर्जा से कम होती है। क्या बच्चा, न्यूनतम ऊर्जा से कम होती है, क्योंकि अपन ने दहली ऊर्जा पढ़ेंगे, दहली ऊर्जा क्या बोलते हैं बेटा, ध्यान सुनना यही पे मैं बता रहा हूं, दहली ऊर्जा। ठीक है, पहले ये खत्म कर लेते हैं। अब देखो क्रिया कारक क्या होता है, अणु को संक्रियित करने से अतिरिक्त ऊर्जा की मात्रा को हम लोग संक्रियण ऊर्जा बोलते हैं। क्लियर है, इसी को हम लोग भैया एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन 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 एनर्जी बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे कभी भी कंफ्यूज ना हो, तो बच्चे यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। अब जब भी एक्टिवेशन एनर्जी अपन को निकालना हो तो प्यारे बच्चे अपन क्या करेंगे, दहली ऊर्जा को हम लोग माइनस कर देंगे, दहली ऊर्जा में माइनस करेंगे किसका, निम्नतम ऊर्जा वाले जो हमारे अणु रहते हैं अभिकारक के, वो क्या करेंगे न्यूनतम ऊर्जा कंटेन करके रखेंगे, मतलब दहली ऊर्जा को रखेंगे और उससे जब माइनस करेंगे तो बच्चे हमको जो है एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, अब दहली ऊर्जा की मैं बात करता हूँ, आखिर दहली ऊर्जा क्या होता है सर, ऊर्जा की वह न्यूनतम ऊर्जा, ठीक है, किसी भी अभिकारक में जब हम अभिकारक को ऊर्जा देते हैं तो उसकी वो मिनिमम एनर्जी जिससे क्या होता है अणुओं के पास होती है, जो क्या है किसी भी अणु के पास होती है और जो प्रभावी टक्कर से जो कोलिजन होता है, ठीक है, कोलिजन होता है, वो कोलिजन के द्वारा अभिक्रिया को संपन्न कराते हैं तब उत्पाद बनाते हैं। बेटा क्या था? सिंपल बात, कुछ भी यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। देखो बच्चा मैं बताता हूँ, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वहाँ पे अभिकारक होता है, उत्पाद होता है, उस अभिकारक के पास जो है बहुत कम एनर्जी रहती है तो उसी कम एनर्जी को हम लोग दहली एनर्जी बोलेंगे, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, समझ में आया दहली एनर्जी के बारे में। अब दर निर्धारक की बात कोई, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी बेटा, रासायनिक अभिक्रिया जब होगी तो एक से अधिक पदों में संपन्न होती है, हमको पता है, हमको तो पता है एक से अधिक पदों में संपन्न होती है। इस रासायनिक अभिक्रिया की दर का निर्धारण सबसे जो धीमी वाले, ठीक है, सबसे धीमी गति होने वाले पद के जो है देख कर ही किया जाता है कि दर निर्धारण जो है पद क्या होगा। मतलब कोई भी हमारा रासायनिक अभिक्रिया है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में जो सबसे धीमी गति से जो अणु है वो काम करेंगे तो उसी धीमी गति को देख के ही जो अनुमान लगाया जाएगा कि भैया ये रासायनिक अभिक्रिया की दर जो है कम है कि ज्यादा है। क्लियर है सारे बच्चों को, समझ में आया, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो कम दर निर्धारण के पद के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, अब जो है बच्चे हम लोग ताप गुणांक के बारे में बात करने वाले कि आखिर भैया, ठीक है, तो मैंने बताया हुआ है। अब बच्चे हम लोग ताप गुणांक क्या होता है, अभिक्रिया की दर का, ठीक है, दर पर ताप के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए, ये आपको एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है और साथ ही साथ ताप गुणांक के बारे में पूछा जाता है। तो आखिर ताप गुणांक होता क्या चीज है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो सॉल्यूशन इसके में क्या लिखना है बच्चा, ताप गुणांक बाकी कुछ नहीं है हमारा। ठीक है, जब भी क्या होता है, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया बच्चे हम लोग इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, देखो देखो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है प्यारे बच्चे तो हम इस तरीके से इसको देखते हैं। अब देखो यहां पे कुछ इस तरीके से हमको जो डायग्राम मिलेगा, ठीक है, और ये जो है बच्चे ये हमारा क्या होता है निर्देशांक होता है, ये हमारा क्या होगा निर्देशांक होता है, अक्ष निर्देशांक होता है। ठीक है, और ये मेरा बच्चा क्या होता है अभिकारक, यहाँ फिर आर के बारे में होता है। ठीक है, अब बच्चे मेरे को बता दो कि जब भी ये अगर मैं यहाँ से मेरा आर है, समझो कि ये मेरा आर है, इस आर से ठीक है फटाफट कुछ चेंजेस लेते हैं। इस आर से जब रिएक्शन होगी इस तरीके से, रिएक्शन होगी इस तरीके से, तो इस प्रकार से मेरे को क्या मिलेगा, ये जो ऊपर का पॉइंट है बेटा ये हमारे लिए क्या है संक्रियण ऊर्जा, ये हमारा क्या बच्चा, ये हमारा जो संक्रियण ऊर्जा है इस रिएक्टेंट के पद तक। ठीक है, ये हमारा क्या होना संक्रियण एक्टिवेशन एनर्जी होने वाली। अब देखो बच्चे रिएक्शन क्या हुई कि भैया जब हम ऊपर तक गए, जब एनर्जी हुई अभिकारक को, हम जब एनर्जी दिए तो बेटा यहां से क्या होगा, जब यहां तक आए तो अपन को देखने को मिला कि ये जो रिएक्शन है वो नीचे जा रही है, मतलब उत्पाद हमको नीचे की ओर मिलेगा, उत्पाद बनते बनते एनर्जी निकल रही है, यही समझ आया। तो एनर्जी जब निकलेगी प्यारे बच्चों, एनर्जी जब निकलेगी तो हम उसको बोलते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो ये डायग्राम किसके लिए हो जाएगा, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया के लिए। ठीक है बच्चा, ये हमारे क्या हुआ उष्मा क्षेपी अभिक्रिया के लिए। अगर उष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए करना पड़ेगा तो क्या होगा, ये प्रोसेस थोड़ा इससे ऊपर हो जाएगा। देखो ध्यान से, सेम टू सेम फंडा मैं यहाँ पे बना देता हूँ, देखो ठीक है, सेम फंडा, बाकी सब यहाँ पे लिख लेना बच्चे। ठीक है, अब देखो मान लो कि यहां से आर से ही स्टार्ट हो रहा है, अब ये पूरा प्रोसेस ऐसे घूम के बेटा इससे थोड़ा सा हो जाएगा, तो ये ऊपर का मेरा संक्रियण ऊर्जा हुआ, ऊपर जो था बेटा यहां से जो हाइट थी ये तो मेरा संक्रियण ऊर्जा है।
ठीक है, ये तो मेरा क्या है बच्चा, संक्रियण ऊर्जा। जब संक्रियण ऊर्जा है प्यारे बच्चे, तो यहां से देखो इसका कंपैरिजन, ये थोड़ा सा ऊपर में रुका हुआ है, मतलब इसकी जो है एनर्जी कम लगने वाली है, मतलब यहां पे बेटा एनर्जी क्या होने वाली है, एनर्जी नहीं निकलने वाली। जब एनर्जी नहीं निकलेगी, एनर्जी हम इसको दे रहे हैं ये प्रोसेस होने में, बेटा हम लोग यहां से देखो, यहां से एनर्जी दे रहे हैं, ऊपर से एनर्जी दे रहे हैं, तो मतलब यहां पे डेल जो एच का वैल्यू है बेटा वो पॉजिटिव होने वाला है। डेल एच का वैल्यू जो है पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि अपन ने पढ़ा हुआ है कि भैया जो पॉजिटिव होते हैं वहां पे हम उसको बोलेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या बच्चा? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, और इसको बोलेंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि यहां पे डेल एच का जो वैल्यू बेटा, डेल एच का वैल्यू जो है यहां पे नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव मिलेगा। ये कुछ बेहतरीन बातें आप जो है इस टॉपिक के अंदर, ठीक है, एक बेहतरीन बातें हैं मैंने आपको बताया। अब बच्चे जो ताप गुणांक के बारे में बात की गई, ताप गुणांक के बारे में बता दूंगी। ताप गुणांक क्या बताता है? ताप गुणांक बच्चे, जब भी मैं इस नॉर्मल टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर जब भी अभिकारक के अणुओं की मैं बात करूंगा, तो वो क्या करेगा, नॉर्मल तरीके से उत्पाद बनाएगा। लेकिन जब भी मैं क्या कर दूंगा, टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, टेम्परेचर बढ़ा दिया लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड में। क्या बच्चा? 10 डिग्री सेंटीग्रेड में, लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड में बढ़ा दिया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया, तो ये जो टेम्परेचर था बच्चा, ये जो टेम्परेचर, मान लो जो है इमेजिन करो कि भाई हमारा जो है केटी के स्थिरांक है और टी इस स्पीड से हमारा जो है बच्चे अभिक्रिया हो रही थी, जब हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया, तो ये स्पीड क्या हो गई, T10 हो गया। मतलब कि जब भी ये रासायनिक अभिक्रिया होगी, अगर उसमें मैं ताप बढ़ा दूं, तो बच्चे वो रासायनिक अभिक्रिया 2 से 3 गुनी बढ़ जाएगी, स्पीड अप हो जाएगी। वही हमारे क्या होता है, ताप गुणांक होता है। अगर इसको मेरे को लिखना है, अगर मेरे को इसको लिखना है, तो क्या करूंगा, के टी प्लस टेन बाई क्या होने वाला बच्चा, मेरे को के टी मिलेगा इस तरीके से। यही मेरा क्या बच्चा, ताप गुणांक होता है। क्लियर है सारे बच्चों को? बहुत जबरदस्त तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब बच्चे यहां पे जो है हम लोगों ने जो है अभिक्रिया की जो कोटि होती है, इसके बारे में आपको बताया हुआ है कि भैया वेग होगा। अब वेग भैया क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा किसका, कंसंट्रेशन ऑफ ए ऑफ एक्स का, प्लस क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी ऑफ वाई का। जब हम लोग इसमें स्थिरांक लगा देंगे बेटा, स्थिरांक लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए ऑफ एक्स क्या होगा, बी ऑफ y, इस तरीके से। मैं आपको इसको बता चुका हूँ बच्चे, इसको मैं बताया हूँ, जहाँ पे x plus y क्या होता है बच्चा, x plus y क्या होता है, n होता है, और n ही हमारा क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि होती है। और ये अभिक्रिया की कोटि जब n का वैल्यू 1 होता है तो प्रथम अभिक्रिया की कोटि, जब n का वैल्यू 2 हो जाएगा तो द्वितीय अभिक्रिया की कोटि, ठीक है बच्चा, और जो n का वैल्यू जब 0 हो जाएगा तो शून्य अभिक्रिया की कोटि। समझ आया? बहुत मक्खन तरीके से, ठीक है। ये बहुत जो है बेसिक चीजें हैं बेटा, ये जो मैक्सिमम टाइम पूछा गया, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बेटा आपको लिखने आना चाहिए। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया, अब लिखने बच्चा आपको सीख जाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बच्चा, ये बात तो समझ आ गई, लेकिन हमको ये बात समझनी है ना सर, कि जब मैं एनर्जी लगाऊं 10 जो है डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया, तो ये एनर्जी आखिर डायग्राम क्या मैं ही बना के हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं प्यारे बच्चे। हम यहाँ पे डायग्राम कैसे बनेंगे, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। देखो जब भी क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो यहाँ पे कैसे बनता है रासायनिक अभिक्रिया, देखते रहना, ठीक है। अब देखो ये रासायनिक अभिक्रिया होगी, अब बच्चे यहां से मारो, सपोज करो कि यहां से रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट हो रही है। अब जो नॉर्मल टेम्परेचर के लिए बच्चे ये रासायनिक अभिक्रिया कुछ इस तरीके से चल रही होती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से चल रही होती है, ठीक है। तो नॉर्मल टेम्परेचर की बात हो रही है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर में। अब बच्चे कुछ इस तरीके से चल रही, तो ये अभिक्रिया को मैं सपोज मान लेता हूं ये है, क्या बच्चा ये है, तो ये जो आपको दिख रहा है बेटा, ये हमारे लिए क्या होने वाला है, ये हमारे लिए क्या होने वाला है, नॉर्मल टेम्परेचर का जो होने वाला है एनर्जी होने वाली, मतलब ए, ठीक है, ए बी सी और डी वाला पोर्शन है बेटा, ये डी वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये हमारा जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे होने वाला है। अगर मैं इसी अभिक्रिया में, अभिकारक में क्या करूं बच्चे, क्या कर दूं, देखो ध्यान से सुनते रहना, इसी को मैं अगर बढ़ा दूं 10T कर दूं, तो बेटा कुछ इस तरीके से मेरे को दिखेगा, मतलब कि क्या है कि भैया ये जो एन है ना, जो हमारा पहला एबीसीडी जो बना हुआ था, ठीक है, इसको देखना ध्यान से, पहला जो एबीसीडी, ये एबीसीडी, इसको मैं बोल देता हूँ ई, इसको एफ, ठीक है, एफ, इसको मैं डी डैश बोल देता हूँ, ठीक है। अब देखो बच्चे, इसके कंपैरिजन में, एबीसीडी के कंपैरिजन में जो हमारा ई एफ डी जो है, अगर हम ई एफ डी की बात करूं बेटा, इसको ध्यान से देखना, ठीक है, अगर मैं इसकी बात कर दूं, चलो ई मैं नहीं लेता यहाँ पे, ठीक है, बच्चों कंफ्यूज होंगे यहाँ पे, अगर मैं ए एफ सी और डी डैश की बात करूं, ठीक है, ए एफ और सी और डी डैश की बात करूं, तो इसकी एनर्जी दोगुनी दिख रही है आपको, इसकी एनर्जी दोगुनी दिख रही है। क्यों दोगुनी दिख रही है बच्चे? क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया लेगा ना भाई, पूरा का पूरा ये एरिया लेगा, मतलब इसकी जब मैं तापमान बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तब किसी भी अभिक्रिया के जो क्या होती है, अभिक्रिया जो होती है बेटा, वो स्पीड अप हो जाती है, बढ़ जाती है। समझ में आया सारे बच्चों को? तो यही हमारा क्या बच्चा, यही बच्चा हमारा तापमान गुणांक होता है। क्या बच्चा? तापमान क्या होता है? गुणांक होता है, ठीक है।
तो ये आपके बच्चे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से आपको पढ़ना चाहिए। ये बच्चे बोर्ड एग्जाम्स में या फिर बच्चे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। समझ में आया बच्चे सारे बच्चों को? आज देखो फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे करा दी मक्खन तरीके से, गजब तरीके से। अब बच्चे आपके लिए बहुत ज़्यादा मक्खन वाला, बहुत ज़्यादा गजब तरीके से आपको कंसेप्ट मैं बताता हूँ। देखो बच्चे, अपन ने क्या था अभिक्रिया की कोटि में, अभिक्रिया की कोटि में आपको बताया कि भैया कि एन इज इक्वल टू, अगर एन इज इक्वल टू जीरो होता है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। एन इज इक्वल टू, एन इज इक्वल टू वन होता है तो बेटा क्या होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और जब एन इज इक्वल टू टू होता है तो बच्चे क्या होता है, ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ये अपन ने पढ़ा है। अब इसके अंदर बच्चे हम लोग एन इज इक्वल टू वन और एन इज इक्वल टू करने वाले, सिर्फ दो प्रोसेस करने वाले और पूरा का पूरा ओवरऑल चैप्टर हम लोग का खत्म हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ बेटा, ये आप लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया, सॉरी प्रथम कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया, ये दो प्रक्रिया है बेटा, जो अभिक्रियाएं हैं इसको आप लोग करके जाइएगा एग्जाम्स के अंदर, करके जाइएगा बच्चा। आपके जो है बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर शायद ये पूछा जा सकता है और पूछेगा डेफिनेटली, क्योंकि ये बहुत टाइम से आया नहीं है बच्चा, इस साल इसकी चांसेस है कि आ पाएगा। समझ में आया सारे बच्चों को? इस प्रकार से अपन बोलेंगे बेटा दो जो चीज़ें हमको पढ़नी है, और साथ ही साथ बेटा हमको एक फैक्टर पढ़ना है जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया उसको जो है इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं उसके बारे में अपन पढ़ने वाले, फिर जाके हमारा पूरा चैप्टर जो है ओवरऑल खत्म हो जाएगा। समझ में आया सारे बच्चों को? क्लियर है? अब देखो बच्चा, ठीक है, अगर मैं बच्चे आप लोगों को बता दूं, ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग समझ में आई होगी। चलिए बच्चे, तो इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, समझ आ गई होगी। तो चले बच्चों, इसी के साथ जो है हम लोग मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया और जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो बच्चे जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है और प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है, इसको हम लोग एक ही वीडियो में पूरा समराइज करेंगे, पूरा पढ़ेंगे, बहुत गजब तरीके से फोड़ेंगे। और वो वीडियो जब देख लिए बच्चे, तो आपका जो तीन नंबर वहीं से फिक्स हो जाएगा। क्या बच्चा? तीन नंबर वहीं से फिक्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको देखने की क्या जरूरत है, जब तीन नंबर उधर से आ जाएगा तो इसके पीछे का रीजन गजब है बच्चे, कि भैया आप जब तक पहली सीढ़ी नहीं चढ़ोगे तब तक आप लास्ट सीढ़ी तक पहुंच नहीं पाओगे। तो आपको पहली सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी ना, तो पहली सीढ़ी आज की इस वीडियो लेक्चर के साथ मेरे बच्चों ने क्या कर लिया, बहुत गलत तरीके से पढ़ लिया, समझ लिया, सीख लिया। अब बच्चे हमें जो दूसरी सीढ़ी आने वाली, जो फाइनल सीढ़ी हम बोलेंगे इस चैप्टर का, वो सीढ़ी में बच्चे आप लोग को तीन नंबर जो है देने की शक्ति रखता है और बहुत गलत तरीके से उसको फोड़ेंगे, मजा आएगा बच्चे। तो बच्चे चलिए बच्चों, इसी के साथ बच्चे, इसी जोश के साथ, इसी उमंग के साथ जो है ये वीडियो लेक्चर अभी हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आने वाले वीडियो लेक्चर में बहुत गलत तरीके से फोड़ेंगे बच्चे। बाय बाय, धन्यवाद, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते रहिएगा।